नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फलसफा जिंदगी का। में दोस्तों, आज जिंदगी के जिस फलसफे के बारे में आपसे बात करने आया हूँ वो है वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन के यूं तो बहुत सारे तरीके हैं, पर सामान्य रूप से जो हम लोग अपने मध्यम वर्गीय परिवारों में देखते हैं उसमें सबसे सरल और आसान तरीका लोगों को लगता है बैंक में जाके FD कर देना। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत आदमी फाइनेंशियल लिटरेट हुआ या किसी से उसने बातचीत की, कोई किसी फाइनेंशियल कंपनी का अच्छा जानकार आदमी उसको मिल गया तो SIP कर देता है। दूसरा तरीका SIP करना। अगर थोड़ा और जानकार आदमी होगा तो फिर वो शेयर मार्केट में निवेश कर लेता है। और अगर कोई थोड़ा भाग्यशाली हुआ और उसके जान पहचान में किसी ने रियल एस्टेट का कोई काम कर रखा है तो फिर वो रियल एस्टेट में निवेश करके अपना लाभ अर्जित करता है। सामान्य रूप से हमने यही तरीके देखे हैं वेल्थ क्रिएशन के। इनमें अगर हम एक एक करके इस पर विचार करें तो जो FD करना का तरीका है या और जो सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखा है और जो आसपास लोग जो सबसे आसान मानते हैं वो सबसे खराब तरीका है, क्योंकि FD में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा 6% मिलता है जो कि आपकी मुद्रा स्फीति के आसपास है, क्योंकि हमारे देश की मुद्रा स्फीति दर लगभग उसी स्तर पे है जिस स्तर पे आपके FD में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं उतना तो आपकी मुद्रा स्फीति ही खाई जा रही है। तो यानी आपका पैसा ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो अपना पैसा लगा के वेल्थ क्रिएट करते समय या कोई एसेट बनाते समय इस बात का सिंपल कैलकुलेशन जरूर कर लें कि वो कम से कम मुद्रा स्फीति की दर को तो बीट कर दे। मतलब अगर मुद्रा स्फीति 7% के दर से हो रही है तो कम से कम 10% 12% इतना तो हो जाए। और सामान्य रूप से जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनका पिछले सालों में आपने फीडबैक लिया होगा, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो वहां भी कम से कम 12% 14% इतना तो ब्याज मिल ही जाता है। तो जो लोग बिल्कुल ही, जिनको कहेंगे कि फाइनेंशियल रूप से अनपढ़ हैं, वो लोग लगाते हैं FD में। जो थोड़े से फाइनेंशियली लिटरेट हैं वो लगा देते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर कहें कि SIP में। लेकिन ये भी उपाय मेरे हिसाब से अच्छे फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन के लक्षण नहीं है। जो अच्छे फाइनेंशियली लिटरेट लोग हैं, जो आगे जाके धनवान हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि लगभग एक सी ही आय वाले कुछ लोगों में जब ये अंतर कुछ सालों में क्रिएट हो जाता है कि कोई आदमी ज्यादा धनवान है और किसी के अभी भी वांदे पड़े हैं, लाले पड़े हैं कि वो कैसे क्या कर ले, उसका रीजन आता है कि उनमें से कुछ लोग तो रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में निवेश करके आगे निकलते हैं और बाकी लोग FD और म्यूचुअल फंड आदि के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो जो दो चीजें जिनके बीच में अक्सर मुकाबला होता है वेल्थ क्रिएशन को लेके, वो है शेयर मार्केट और दूसरा रियल एस्टेट। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट की ये जो जंग है, इसमें कुछ बातें जान लेने की हैं कि यदि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी इतनी अच्छी है कि आप किसी कंपनी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आपको जो कंपनियों की बैलेंस शीट है उसको पढ़ना आता है, अगर आपको उनके टेक्निकल जो चार्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आते हैं, कंपनियों के फंडामेंटल समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, तब तो आपके लिए शेयर मार्केट में निवेश करना एक अच्छा उपाय हो सकता है। लेकिन शेयर मार्केट में दूसरा बड़ा खतरा ये होता है कि वो कब किस कंपनी को लेकर डूब जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसी कंपनियां वहां भी होती हैं जिनको ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं, कि जिनमें जब आप निवेश करते हैं तो उसमें आपको 10% से 12% का निश्चित ब्याज मिल ही जाता है, जो बड़ी बड़ी जायंट्स कंपनियां हैं उनमें निवेश करके। लेकिन इसके अलावा जो रियल एस्टेट वाला पार्ट है, जो रियल एस्टेट का एस्पेक्ट है, उसमें अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखें, सिर्फ इतना देख लें कि उसके जिस प्रॉपर्टी में या समझ लें कि जिस प्लॉट में आप निवेश करने जा रहे हैं या जिस मकान में आप निवेश करने जा रहे हैं, तो कानूनी रूप से लीगली उसके पेपर्स बिल्कुल सही हों। बस एक चीज आपको देखनी है, अगर लीगल वो चीजें सही हैं और आसपास के लोगों से बातचीत करके आपने वहां के रेट का अंदाजा ले लिया, तो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि आपके शहर में शायद ही कोई ऐसा एरिया हो जहां की जमीनों की कीमतें, प्लॉटों की कीमतें लगभग 7 से 8 साल में दोगुनी ना हो गई हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा निवेश होता है
जिसमें कि आप काफी सुरक्षित तरीके से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर बना सकते हैं। अब यहाँ पे लेकिन कुछ बातें और आती हैं रियल एस्टेट में निवेश करते समय, कि रियल एस्टेट में जब आप निवेश कर रहे हैं तो फ्लैट में करना चाहिए कि ड्यूप्लेक्स में करना चाहिए कि प्लॉट में करना चाहिए कि आधे बने मकान में करना चाहिए, पुराने मकान में करना चाहिए कि नए मकान में करना चाहिए। तो इनमें आपको एक बेसिक बात समझनी चाहिए जिसमें लैंड कोशेंट ज्यादा है, लैंड कोशेंट ज्यादा है यानी भूमि का जितना हिस्सा ज्यादा है उसमें निवेश करना हमेशा ज्यादा लाभप्रद होता है। यानी कि नंबर एक पे आएगा प्लॉट, और ऐसा प्लॉट जो कि टीएनसीपी और रेरा से अप्रूव्ड हो, यानी कि लीगली पूरी तरह सही हो और ऐसी लोकेशन पे हो जहां की जो जिसका डेवलपर ऐसा आदमी हो कि जो बातें उसने रेरा में कही है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को लिख के दिया, जो नगर निगम को बोला, वो वैसा का वैसा डेवलपमेंट करता आया है, उसका पिछला इतिहास है। तो ये वाला निवेश आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा और इसमें आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। आप सिर्फ रेरा देखें, टीएनसीपी का सर्टिफिकेशन देखें और जो वहां रेट चल रहा है उस रेट के साथ आप उस प्लॉट में निवेश कर दें। तो ये वाला जो निवेश होगा ये आपको सबसे ज्यादा लाभ देगा, इसका आरओआई सबसे ज्यादा होगा। नंबर दो पे आएगा आपका जो ड्यूप्लेक्स है, वो ड्यूप्लेक्स नंबर दो पे इसलिए है क्योंकि उसमें लैंड कोशेंट तो है पर कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट है, उसका एक हिस्सा मतलब उसकी जो कीमत है वो कीमत दो चीजों से मिलकर बनी है, एक है प्लॉट की कीमत और दूसरी है जो उस पर मकान बना है उसकी कीमत। जो उस पर मकान बना है जो उसकी कीमत है वो तो सामान्य जैसे कि बाकी चीजें बढ़ती हैं, यानी आप कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 10% की दर से उनमें बढ़ोतरी होगी, जिसको कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10% की दर से बढ़ेगी। लेकिन वो जो मकान जिस जगह पे बना है वो उस जगह का डेवलपमेंट कैसा, उसके आधार पे वो जो प्लॉट है उसकी कीमत बिल्कुल उसी तरह बढ़ेगी जैसे कि रियल एस्टेट के बाकी जगहों की कीमतें बढ़ती हैं। तो नंबर दो पे आ गया आपका ड्यूप्लेक्स वाला। फ्लैट को मैं नंबर तीन पे इसलिए रखता हूं क्योंकि फ्लैट में जो लैंड कोशेंट है वो सबसे कम होता है, तो इसीलिए फ्लैट में निवेश बाकी सबके मुकाबले कम से कम करना चाहिए। फ्लैट तभी लें जब आपको उसका उपयोग करना है और आपको खुद रहना है। अगर आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो फ्लैट एक अच्छा निवेश नहीं हो सकता। अब जैसा कि मैंने कहा कि लैंड कोशेंट, तो इसलिए जो लोग एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में भी ग्रोथ का बहुत अच्छा मौका होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि वो एग्रीकल्चर लैंड किस जगह है, वहां का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। मान लीजिए आपने ऐसी जगह निवेश कर लिया जहां 25-30 साल तक कुछ होने की संभावना नहीं है तो वहां ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ऐसी जगह जहां की आगे जाके आने वाले समय में आपके शहर की, आपके म्यूनिसिपल एरिया की कुछ ग्रोथ होनी है, वहां आपको एक अच्छा मौका वृद्धि का, आरओआई वहां बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं इनमें मैंने जैसा कहा आप उसमें ये ध्यान रखें कि लैंड क्वेश्चन जिनमें ज्यादा हो वहां निवेश करके आप बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। बस आपको ध्यान एक ही चीज रखनी है कि वहां पे लीगल पेपर्स पूरे कंप्लीट हों, उसकी सर्च आप वकील से करा लें, किसी दूसरे किसी जानकार व्यक्ति से करा लें। और एक बात, कभी भी एक जगह जाके या कोई पहचान वाला है वहां इस तरह से नहीं कर दें कि कोई पहचान का है तो आपने कर दिया। हमेशा देखें कि कौन कौन सी जगह आपको कितने जगह खरीदने के ऑप्शंस अवेलेबल है। मान लीजिए आपने प्लॉट खरीदने का तय किया, आपने तय किया कि मुझे प्लॉट खरीदना है और मैं जहां रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी होगी वहां मैं ले लूंगा, तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एप्स हैं जैसे कि 99acres है, magicbrick.com है, जिसमें आपको आपके शहर की ऐसी तमाम प्रॉपर्टियों का जिक्र मिल जाएगा जिनमें की रेरा का अप्रूवल है। अब इनमें से सारे आपने देख लिया, अब आप कौन से इलाके किस क्षेत्र में जाने के इच्छुक हैं उसके हिसाब से आप उसका आधार बना लीजिए, उसको लिस्टिंग कर लीजिए कि ये हमारे काम की लग रही है, फिर उनको जाके विजिट करिए। विजिट करने के बाद में अपने पास एक लिस्ट रखिए, उस लिस्ट में आपकी सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए कि जो जो चीजें आप सोचते हैं कि जरूरी है, जैसे कि उसकी रेलवे स्टेशन से दूरी क्या है, अस्पताल से दूरी क्या है, बड़े बाजार से दूरी क्या है, ये आप अपने पास बनाते जाइए क्योंकि आपको एक निश्चित समय के अंदर निर्णय कर लेना चाहिए कि इनमें से कहां आपको लेना है। तो आपने जब अपनी डायरी खोली उसमें ये सारी चीजें लिख ली कि ये चीज कहां से कितनी दूर है, फिर दूसरा आप ये देखें कि उस जगह का फ्यूचर क्या है, भविष्य में वहां क्या होने वाला है, फिर सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे क्या परकोटा रहेगा, पूरी तरह क्लोज कैंपस है या नहीं है, इस तरह की भी चीजें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उनको भी आप लिख लें और उस आधार पे आप उस एवेल्युएट करते जाएं, 10 में से नंबर दे दें, जो एरिया आपने देखा है उसको 10 में से जो आप उचित समझते हैं कि देखा आपने ऐसा किया और आपकी जरूरत के हिसाब से आप उसको नंबर दे दें। इसके बाद वो दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने सोच रखी है आप वहां जाएं, वहां जाके भी आप यही करें
कि सारी की सारी चीजें जो है नोट डाउन कर लें उसी आधार पे, जिस आधार पे पिछले लोग को नंबर दिए थे, इस वाली प्रॉपर्टी के उसी आधार पे नंबर दें, और ऐसा एक निश्चित समय के अंदर करके आप समय पर निवेश कर दें। बहुत लोग क्या करते हैं, देखते रह जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे मन माफिक प्रॉपर्टी मिले। मन माफिक प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, जैसे आपके मन में कल्पना होती है, कल्पना हमेशा जो रियलिटी है उसकी अपेक्षा खूबसूरत होती है। तो आप ढूंढते रहते हैं और आपको वो मन वाला प्लॉट तो नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलते हैं उनमें से कौन सा सबसे अच्छा है, इसके लिए जरूरी है कि सारी आपके पास लिस्टिंग हो और उन लिस्टिंग को आप एक कागज में लेके एक बार में इवेल्युएट कर सकें कि इनमें से कौन सा मेरे मन माफिक है और कौन सा मेरे लिए सबसे अच्छा है। ऐसा करने के बाद में आप नंबरिंग करके, मार्किंग करने के बाद में आप नेगोशिएट कर लें जो लोग हैं, जो भी डेवलपर हैं उनके साथ में, और जो एक बात और देख लें कि जो नेशनलाइज बैंक है वहां उसका फाइनेंस हो जाएगा अथवा नहीं। क्योंकि अगर अगर आप निवेश करते हैं, अगर मान लीजिए आपने बैंक से लोन लेना भी हमेशा प्रॉपर्टी के मामले में बहुत फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि आपको बैंक ज्यादा से ज्यादा 7-8% के भाव से पैसा देती है। आपको 7-8% के भाव से पैसा मिल रहा है, जो कि रेरा अप्रूव्ड कॉलोनियों में मिनिमम 17-18% से बढ़ता है। तो मतलब आप लगभग दुगने से ज्यादा उस पैसे को आपने बैंक से तो लिया है, आपका तो पैसा है नहीं, बैंक का पैसा है, आपने बैंक से ले लिया 8% की दर से, उसको बढ़ा रहे हो 18% की दर से। तो ये हमेशा बुद्धिमानी है, जब भी आपको मौका मिले आप तत्काल बैंक से हाउस लोन या प्लॉट का लोन ले लें और उस लोन से एक सही सा अच्छी जगह पे और लीगल प्लॉट खरीद लें। ऐसा करके आप अपने आप एक ऐसी प्रॉपर्टी बना लेंगे जो समय के साथ बढ़ती जाएगी और जो आपके सोते समय भी आपके लिए धन कमा रही होगी। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए आप एक अच्छे वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं, और ऐसा होगा कि जो लोग आपके समय पे आपके साथ साथ के हैं, बराबर पैसा कमाते हैं, लेकिन जिन्हें समय में सही जगह निवेश नहीं किया और आपने सही समय पे सही जगह निवेश किया, तो कुछ ही सालों में आप उनसे आगे निकल जाएंगे। धन्यवाद।